हेलो दोस्तों, ये आसूस जीना फोन लाइट अलवन में आपको बता दूं, मैंने इसे 4,999 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो मैं आपसे बताने वाला हूँ इसमें कौन कौन से सेंसर अवेलेबल हैं और कौन कौन से सेंसर अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें सेंसर नहीं दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या ये OTG को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। मैं उप्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सेंसर हैं। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से सेंसर जो है टेस्ट करने के लिए, इसमें कौन कौन से सेंसर जो है अवेलेबल हैं और कौन कौन से सेंसर अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग पहले उस ऐप को ओपन करते हैं, तो देख सकते हैं ये सारे सेंसर आपके सामने जो है दिख रहे हैं। और जो पहला सेंसर वो एक्सीलरोमीटर सेंसर है। हम लोग जब उसे ओपन करेंगे, जब भी अपने फ़ोन को रोटेट करते हैं, जब भी आप पोर्ट्रेट मोड में या वर्टिकल मोड में, तो आप देख रहे होंगे ये थोड़ा स्लो होता है। जायरोस्कोप भी ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन जायरोस्कोप जो सेंसर होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, आप थोड़ी सी मूवमेंट वो डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ जायरोस्कोप से स्लो होता है एक्सीलरोमीटर। जो लाइट सेंसर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर जो दूसरा है, अभी ऑटोमेटिक आप कर देते हैं अपने जो है ब्राइटनेस, देखते हैं लस्ट कितने लस्ट है, जो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक जो अपने आपको सेट करता है। जो ये है, मैं आपको बता दूँ, लाइट सेंसर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट सेंसर इसमें है, बिल्कुल है। और उसके बाद होता है, मैं आपको बता दूं, ये GPS के लिए है। क्या आपके जो मूव, कहाँ कहाँ आप ट्रेवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें ये आपकी मदद करता है, आपकी लोकेशन में मदद करता है ये GPS सेंसर। तो जैसे जैसे आप अपने फ़ोन को इधर उधर घुमाएंगे, ये भी GPS जैसा ट्रैकर है वो चलता रहता है। और उसके बाद है, मैं आपको बता दूँ, प्रॉक्सिमिटी। तो आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमिटी, जब भी आप कॉल अपने ईयर पर लगाते हैं, देखते होंगे स्क्रीन डिस्प्ले जो है बंद हो जाता है, वो तो सारे फ़ोन्स में होता है, इसमें भी है नॉर्मली, ये सारे फोन्स में पाया जाता है। तो जो भी सेंसर अभी तक मैंने चेक किया वो सारे फोन्स में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं हमेशा। इसका टेम्परेचर सेंसर, ये आप देख सकते हैं ये नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूँ, ये कॉस्टली फ़ोन में होता है टेम्परेचर सेंसर। और जो उसके बाद है वो जायरोस्कोप, जी हाँ, आपको जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलता है। जी हाँ, जायरोस्कोप सेंसर आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ऑडियो, ये तो सारे फ़ोन में होता है ये ऑडियो, तो देख सकते हैं ये कितने डेसिबल जो लाउडनेस है मेरे अगल बगल वो शो कर रहा है। और मैग्नेट सेंसर, ये होता है आप अपने डायरेक्शन को देख सकते हैं कि आप ईस्ट में हैं, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। GPS में आपकी हेल्प करता है, जब GPS आप ऑन करते हैं तो उसमें भी ये आपकी बहुत सारी मदद करता है आपकी डायरेक्शन बताने में। उसके बाद आप प्रेशर सेंसर, ये तो कॉस्टली फ़ोन में होता है, जैसे सैमसंग वगैरह देते हैं अपने कॉस्टली फ़ोन में, एस सीरीज में आपको ये देखने को मिल जाता है। ये कॉस्टली फ़ोन में होता है, यदि नॉर्मल फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलता है ये सेंसर जो है। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं OTG क्या ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो हम लोग इसे पुट करते हैं, मैंने 32 GB का OTG है, तो ये देखिए। और नोटिफिकेशन, जी हाँ, ऊपर नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कुछ। ये दूसरा आप देख रहे होंगे, सैन डिस्क USB ड्राइव, ये उसके अंदर के जो है फाइल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं PUBG है और एक फ़ोटोज़ हैं, और PUBG के जो है एंड्रॉयड OBB फाइल्स भी यहाँ पे हैं और एक फ़ोटोज़ हैं, जिसे हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये पेन ड्राइव में ही, तो ये OTG बिल्कुल सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूँ, एक बार हम लोग स्टोरेज में भी जाके अभी आपको मैं शो कर दूँगा कि वहाँ पे भी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो OTG बिल्कुल सपोर्ट करता है, ये देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फाइल को आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो सेटिंग में चलते हैं, स्टोरेज में, स्टोरेज में देखिए नीचे, ये देखिए, ये रहा USB स्टोरेज जो दिख रहे हैं आप, ये है। तो आपको बिल्कुल ही जो है ये OTG को सपोर्ट करता है, जी हाँ। तो ये फ़ोन है जो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन कुछ सेंसर आपको यहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन जितने भी सेंसर मिलते हैं वो डिसेंट है। जायरोस्कोप सेंसर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद।